सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूँ सब भाई बहन अपने घर में अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे मैं यूरोप तक पहुँचा, हंगरी में पहुँचा एज ए ट्रक ड्राइवर की जॉब में, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हंगरी में आने के बाद जो जो प्रोसीजर थे, जो कितना टाइम लगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए, वो सब कुछ ए टू जेड आपको बताने वाला दोस्तों। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे आप प्यार सपोर्ट दे रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी जो हिंदी है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको आपके लिए फिर भी हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भाई पंजाब से बाहर के रहने वाले हैं, जैसे पंजाब सॉरी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, कहीं से भी हैं, जैसे दूसरी कंट्री से भी हैं, जैसे नेपाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो मैं उन सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे मैं इधर आया हूँ, आप भी इधर आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली ट्रक ड्राइविंग में बहुत सैलरी आपको मिल रही है इधर। इससे अच्छा ऑफर आपको कभी कहीं और नहीं मिल सकता, मुझे लगता है। तो दोस्तों, हंगरी में आने के बाद मेरा सबसे पहला जो काम था, मेरे को TRC कार्ड लेना था। जो TRC कार्ड रहता है वो उसका जो प्रोसीजर रहता है, जब आप इंडिया में फाइल सबमिशन करने के बाद जब आपका वीज़ा प्रिंट होता है, आपके पासपोर्ट पे जब वीज़ा प्रिंट हो जाता है, तो उसी टाइम में इधर हंगरी में जो आपका कार्ड की प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जब आप इधर आते हैं तो पहले से ही आपका कार्ड आपको रेडी मिलता है, तो उसके लिए फिर भी 10 से 15 दिन लग सकते हैं, कुछ केसेस में हफ्ते में, एक हफ्ते में भी मिल जाता है कार्ड। मिलने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर था, वो था अपना कोड 95। तो दोस्तों, कार्ड मिलने के बाद मेरा जो नेक्स्ट प्रोसीजर था वो था कोड 95 की ट्रेनिंग। तो मेरी कंपनी वालों ने मेरे को कोड 95 की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल में एडमिट किया, तो वहाँ पर मेरी 3 दिन की क्लास थी। तो दोस्तों, साथ में आपको ये खूबसूरत नज़ारा भी दिखा रहा हूँ, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपको जगह कैसी लगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है, हंगरी भी बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो दोस्तों, कोड 95 की जो ट्रेनिंग थी मेरी 3 दिन की थी, उसके बाद एग्ज़ाम था। तो मेरे जो एग्ज़ाम थे उसमें मेरे 7 मॉड्यूल थे, टोटल 7 मॉड्यूल थे। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस कितना पुराना है। कुछ लोगों का लाइसेंस रहता है 2009 से पुराना, 2009 से जो पुराना है उनको सिर्फ 3 टेस्ट ही देने पड़ते हैं, लेकिन मेरा लाइसेंस था जो थोड़ा नया था, इसके लिए मेरे को 7 टेस्ट देने पड़े, जो 7 टोटल टेस्ट थे। दिक्कत आई, लेकिन क्या है कि मैं भगवान की कृपा से मैं पहली ही जो अटेम्प्ट थी उसमें पास हो गया था। तो दोस्तों, कोड 95 का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरे को 3 वीक वेट करना पड़ा। 3 वीक्स का उसका टाइम रहता है, वो आपका जो कार्ड है बन के आता है 3 वीक्स के बाद। तो उसके लिए मेरे को कंपनी में काफ़ी देर वेट करना पड़ा। तो उस टाइम के दौरान कंपनी ने मेरे को छोटी गाड़ी दे दी थी, जिसमें अपना कोड 95 की ज़रूरत नहीं रहती, तो मैंने वैन चलाई 1 महीना पूरा। जब दोस्तों अपना कोड 95 का कार्ड हमें मिल जाता है, उसके बाद से ही हम टेको कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपका सबसे पहले रेजिडेंस कार्ड, उसके बाद कोड 95, उसके बाद टेको कार्ड, उसके बाद यहाँ पे एक पिंक पेपर रहता है। पिंक पेपर बहुत ज़रूरी है, जैसे हम थर्ड कंट्री नेशनल हैं तो हमको ज़रूरी है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो उसके लिए पिंक पेपर रहता है। और चौथा है, सॉरी पाँचवा है पव। यहाँ पे हंगरी में पव का एग्ज़ाम है, लेकिन किसी दूसरी कंट्रीज़ में शायद नहीं देना पड़ता, जैसे लिथुएनिया, पोलैंड वगैरह में उनका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हंगरी में ये आपको क्लियर करना पड़ता है। तो सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, जो 5 डॉक्यूमेंट्स थे वो तो इधर सब बनते हैं, लेकिन जो 7 डॉक्यूमेंट्स आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आप जैसे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, वो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस करवा के लाना पड़ता है यहाँ पर, तो फिर ही आप कोड 95 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबको बता देती है कंपनी, ये सब आपको बनाना पड़ता है जब आप ट्रक ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं। तो ये सब प्रोसीजर दोस्तों मेरे को कम से कम 2 महीने लग गए इसको सारे A to Z डॉक्यूमेंट्स बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो कृपया इसको शेयर जरूर कीजिए। तो आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी तरह की, तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो अगर आपको पूरी डिटेल में ये वीडियो चाहिए कि ये अपना कोड 95 क्या है, कैसा दिखता है,
बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे हैं, क्या उनका प्रोसीजर रहता है, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप मेरे को बोलो तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता सकता हूँ।